मोहराई छठ के पावन पर्व पर सोमवार को बुंदेलखंड के शहरी ग्रामीण अंचलों में हजारों की संख्या में महिला और पुरुषों ने नदी तालाबों के घाटों पर पहुंचकर विधि विधान से शादी के मोहरों का विसर्जन किया। हालांकि महामारी के चलते इस बार भील का उत्साह घाटों पर कम नजर आया, पर सालों से बुंदेलखंड में चली आ रही मोहरों के विसर्जन की परंपरा ने आज भी लोगों को घाट पर आने के लिए मजबूर कर दिया। टीकमगढ़ वृंदावन तालाब पर दिनभर नवविवाहितों ने तालाबों के घाटों पर पहुंचकर विधि विधान से मोरों का विसर्जन किया। मोरों का विसर्जन के बारे में कुछ महिलाओं से बात की गई। उन्होंने बताया कि शादी के समय दूल्हा दुल्हन के सिर पर जो मोर रूपी मुकुट लगाया जाता है उसका विसर्जन किया जाता है। तालाब पर दूर दूर तक कहीं भी कोई भी प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था नजर नहीं आई। ये बड़ी चूक थी। मौसम बारिश का है और कोरोना जैसी महामारी भी फैली हुई है और प्रशासन ने कोई उचित व्यवस्था नहीं की। घाटों पर किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती थी। अच्छा, ये मोर क्या कहलाता है? अच्छा अच्छा, लगन होती है जी जी। ससुराल से लगन आती है, लगन सिरावे को। अच्छा, वो होता है कि जो लड़कियों की नई नई शादियाँ होती है जी, मनाया जाता है। सबके अपने अपने घर के जी जी जी, बाकी सब आके तालाब पे पूजा करते हैं, बाकी अपने घर जाके सब अपने अपने देवता को। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज़ आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।